यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू हुआ है तो कुछ मौलाना लाल हो गए हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर नकेल कसी गई, उनकी फंडिंग की जांच की गई तो सियासी हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन योगी सरकार अब उससे भी आगे बढ़ते हुए वक्फ बोर्ड का भी सर्वे कराने जा रही है। यूपी में मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड का भी सर्वे किया जाएगा। अवैध मदरसों पर नकेल कसने के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अवैध बिक्री और जालसाजी पर भी योगी सरकार सख्त हो चुकी है। अब वक्फ संपत्तियों का सर्वे कर उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने को कहा गया है। सरकार ने 7 अप्रैल 1989 के आदेश को निरस्त कर 1989 के बाद दर्ज वक्फ मामलों के पुनः परीक्षण करने का आदेश भी जारी किया है। सर्वे के दौरान शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। सरकार सेंटर में है और जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो है मार्गदर्शन में सरकार जो है प्रदेश में है, वो अल्पसंख्यकों के इस लैंड बैंक को, इस वक्फ संपत्तियों को लेके बहुत सीरियस है और सिर्फ जो है पूर्व सरकारों द्वारा वो बातें नहीं कर रही है। इसका बाकायदा संरक्षण के लिए पुख्ता जो है इंतजाम किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वक्फ संपत्तियों का फायदा जो है सीधे अल्पसंख्यक समुदाय जो है उठा सके। दरअसल प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें आती रहती हैं। कई बार तो संपत्तियों की अवैध बिक्री को लेकर वक्फ पदाधिकारी ही आरोपों के घेरे में आ चुके हैं।